नमस्कार दोस्तों, तो एक महीने पहले मैंने आप लोगों को एकदम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दिया था कि मोटरोला G82 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका मैंने फुल स्पेसिफिकेशन भी दिया था, इस वीडियो पे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि ये जो स्मार्टफोन कैसा दिखेगा, मतलब कैसा लुक्स होगा, इसका एकदम 100% कॉन्फर्म इमेज भी आ चुका है। और ये चीज़ तो जरूर आपने देखा ही होगा कि जब भी किसी स्मार्टफोन का रियल इमेज लीक्ड हो जाता है, तो मतलब समझ लीजिए उसके मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली वो लॉन्च हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में फिर से देखेंगे कि जो Motorola G82 5G नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका 100% कॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कब लॉन्च हो रहा है और किस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये एक्चुअली कहा जा रही है कि जो Motorola G82 उसका पीछे का डिजाइन है। तो मतलब ये चीज हम जरूर कह सकते हैं कि इसमें से एक कलर आपको डेफिनेटली नेवी ब्लू कलर का मिलेगा और दूसरा जितना मुझे लग रहा है एक सिल्वर कलर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब इसका जो पीछे का डिजाइन एग्जैक्टली रिसेंटली जो बाकी के जी सीरीज के स्मार्टफोन है पूरा उसके जैसे आपको मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.45 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 189 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.55 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz पोलेट डिस्प्ले, उसके साथ आपको मिलेगा 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट का। मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 92% के आसपास। और इसका जो डिस्प्ले उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी तक कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा 700 nits के आसपास और इसमें आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। तो मतलब यही चीज कह सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले एकदम ठीक ठाक है। प्रोसेसर की अगर बात करें, क्योंकि इसका प्राइस होने वाला है 20,000 के नीचे, और 20,000 के नीचे आज के दिन का सबसे पॉपुलर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 695 वही प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। कैमरा में आपको मिलेगा 50, 12 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और इसका जो 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, उसके साथ आपको OIS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे कि जब आप वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी करेंगे तो बहुत ही स्टेबल इसका फोटोग्राफी आपको मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रही है कि टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 4 120GB, 6 120GB और 8 120GB, टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 2.1। और इसके साथ आपको मोटरोला के बाकी फोन के जैसा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अभी मॉडर्न जमाने के जैसा इसमें भी आपको 2GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। बैटरी अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 33W का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। तो इसके बाद अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करें, तो आपको इसे मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 12 होगा आउट ऑफ द बॉक्स, NFC और IP52 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज, G82 कब लॉन्च होने वाला है, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जितना मुझे लग रहा है इस मई महीने के आखिर तक ये जो स्मार्टफोन डेफिनेटली मेरे ख्याल सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया पे लॉन्च होने के पॉसिबल डेट है अगले महीने, मतलब जून महीने के आसपास। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो पहले जैसा लीक मिला था कि ये जो स्मार्टफोन 20,000 के आसपास या फिर हो सकता है कि एग्जैक्टली 20,000 पे इंडिया पे लॉन्च होगा, तो अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन वही 20,000 के आसपास ही इंडिया पे लॉन्च होगा। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, अगर आप अभी आज के दिन में देखेंगे 20,000 पे अच्छा खासा डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा वाला कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया है, उसका एक ही नाम है जो कि Poco X4 Pro, और दूसरा स्मार्टफोन है Realme 9 Pro वाला स्मार्टफोन। दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, दोनों ही आपको 18 से 20,000 के अंदर मिल जाएगा। तो उसी जगह पे अगर मैं इस Motorola के साथ कंपेयर करते, Motorola का डिस्प्ले बाकी के जैसा ही है, प्रोसेसर, कैमरा, रैम, रोम, बैटरी, स्पीकर सब कुछ बाकी के जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं सभी फोन के बीच में Motorola को ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि ये फोन एक्चुअली Motorola की तरफ से। हो सकता है कि Motorola का जो सर्विस सेंटर वो उतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी सब्सक्राइबर या फिर मेरे जितने भी रिलेटिव को ये सवाल पूछा कि उन लोगों का स्मार्टफोन कितना दिन तक चला है, अगर किसी ने मुझे ये जवाब दिया कि उन लोगों का स्मार्टफोन 4 साल तक चला है, तो वो 100% Motorola का ही स्मार्टफोन होता है। तो इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि फॉर सम रीजन Motorola का स्मार्टफोन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा चलता है बाकी फोन के मुकाबले। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा और इसके साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड का भी
ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है, अगर आपको 20,000 रुपए के अंदर एक ऑलराउंड अच्छा खासा ब्रांड की तरफ से बढ़िया सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाला अगर आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको इस मोटोरोला G82 के लिए जरूर वेट करना चाहिए। तो अभी आप मुझे जो क्वेश्चन जरूर बताना कि जो मोटोरोला G82 5G जो लॉन्च होने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन और प्राइस देखकर आपको क्या लगा, और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो क्या इस प्राइस पॉइंट में आप इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरा फोन को लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।